नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, चारों तरफ हल्की हल्की ठंड थी, बरसात का समय था, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही थी। वो पैदल ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते अचानक शिष्य के मन में एक प्रश्न आया। शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या एक प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ? संत ने बोला, अचानक से क्या बात है, तुम कहीं भी प्रश्न पूछ लेते हो। शिष्य ने बोला, जी गुरु जी, मेरे मन में अचानक से ये प्रश्न आया है। संत जी ने बोला, चल ठीक है, बता क्या प्रश्न है। शिष्य ने बोला, गुरु जी, एक बात बताइए, मेरा प्रश्न यही है कि सच्चा साधु कौन है? गुरुजी बहुत तेजी से हंसे और बोले, सच्चा साधु वो नहीं है जो अपना घर छोड़कर पहाड़ गुफाओं में तपस्या में बैठा हो। शिष्य ने बोला, गुरुजी ये तो बताइए कि सच्चा साधु कौन है? संत ने फिर बोला, सच्चा साधु वो नहीं है जो गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके, मस्तक पर भस्म लगा के और जटा बनाकर इधर उधर भिक्षाटन करता फिरे। शिष्य ने बोला, गुरुजी ये तो बताइए सच्चा साधु कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सच्चा साधु कौन है, और आप बार बार बता रहे हैं सच्चा साधु कौन नहीं है। और इतने में अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और अभी इन लोगों की यात्रा में कई मील की दूरी थी। गुरुजी ने बोला, सच्चा साधु वो भी नहीं है जो प्रवचन करता हो, मंदिरों में बैठता हो, मस्जिदों में नमाज करता हो, वो भी सच्चा साधु नहीं है। अब शिष्य से रहा नहीं जा रहा था, अब शिष्य को गुस्सा भी आ रही थी। बोला, गुरुजी यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा साधु कौन है? आप मुझे बार बार ये बता रहे हैं कि सच्चा साधु कौन नहीं है। गुरुजी ने बोला, चल ठीक है, अभी बूंदाबांदी हो रही है और अभी हमारी यात्रा में 6 किलोमीटर की दूरी है। जब वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करके और हम किसी धर्मशाला के सामने रात के एक पहर के बाद पहुँचेंगे और धर्मशाला का दरवाज़ा खटखटाएंगे और धर्मशाला के अंदर से चौकीदार की आवाज़ आएगी, भाई कौन है? तो हम बोलेंगे कि हम साधु हैं और हमें रात ठहरने की जगह दे दो। तो वो चौकीदार बोलेगा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, एक भी पैसे की रसीद तो कटाएंगे नहीं, एक भी पैसा चंदा तो देंगे नहीं, और आ गए रात को शरण लेने। ऐसा कह के वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा और हम बाहर कीचड़ से लथपथ, कपड़े हमारे गीले, भूख से व्याकुल, हम बाहर खड़े होके थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे। वो फिर अंदर से बोलेगा, कौन है? और हम बोलेंगे, हम साधु हैं, हमें शरण चाहिए, बस रात गुजारना है, कृपया करके हमें अंदर आने दीजिए। फिर वो वहाँ से आएगा और झल्ला के बोलेगा, तुम लोगों को अभी मैंने बोला है कि अंदर नहीं आना है, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे हो, चले आते हैं मुंह उठा के पता नहीं कहाँ से, साधु हैं साधु हैं, अरे साधु हैं तो मैं क्या करूं? और ऐसा करके फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेगा। हम बाहर खड़े होकर दरवाज़ा फिर खटखटाएंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है, हमारे कपड़े गीले हैं, हमारे पैर कीचड़ से सने हैं, हम इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। तो हम उससे कहेंगे कि कृपया करके आप हमें
चार घंटे के लिए अंदर आ जाने दीजिए, बस हम किसी तरह से रात गुजार ले, कृपया हमको आने दीजिए, कृपया हमारे ऊपर रहम कीजिए। और ऐसे में जब वो फिर दरवाज़ा खोलेगा और एक डंडा लेकर आएगा और बोलेगा, तुम लोग अपनी नींद के साथ साथ मेरी भी नींद खराब करते हो, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, अभी चले जाओ, ये डंडा देख रहे हो, इसी से तुम्हारी अभी पिटाई करूंगा अगर दोबारा आवाज दिए। और ऐसा कहकर वो फिर दरवाजा बंद कर लेता है। इतने में अब बारिश तेज हो गई और हम ठिठुर रहे हैं, हमें भूख भी लग रही है, हम प्यासे भी हैं। और फिर एक बार हमने दरवाज़ा खटखटाया, कृपया हमको अंदर कर लीजिए, बाहर बारिश बहुत जोर की हो रही है, हम लोग ठिठुर रहे हैं, हमें बस आप अंदर कर लीजिए, हम सोएंगे भी नहीं, बस हमको अंदर खड़े होने दीजिए। और तब बाहर वो निकलता है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत गहरी बात है, सच्चा साधु कौन है अब पता चलने वाला है। जब वो बाहर आता है डंडा लेकर और हमारी ठुकाई करता है, हमको डंडे पे डंडा मारता है और हम गिर जाते हैं, और हम गिर जाते हैं, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। पर तब भी अगर उस समय हमें उसके लिए गुस्सा नहीं आता है तो हम सच्चे साधु हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो करने के लिए कृपया 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें, और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यही क्लिक कर दें। धन्यवाद।